बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही मज़ेदार दाल पालक की रेसिपी। फ्रेंड्स, सबको नज़र आ रहा होगा बहुत ही मज़े की लग रही है। चलिए इस झटपट सी ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैन में डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 2 कड़ी पत्ते, 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 से 4 काली मिर्चें, 1 मैंने लिए दालचीनी स्टिक, आप देख सकते हैं इसका साइज़, और 1 बड़ी इलायची। इसको डालने के बाद हमने हल्का सा फ्राई करना है। जैसे ये फ्राई हो जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे 1 मैंने लिया दरमियाने साइज़ का प्याज, इसको अपने फाइनली चॉप कर लेना है। प्याज डालने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे 1 मिनट तक। देखिए प्याज फ्राई हो गया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, 1 टेबल स्पून से ज़्यादा डालेंगे हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको भी हमने फ्राई करना है 1 से 2 मिनट। अब देखिए प्याज और लहसुन अदरक बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 2 लिए दरमियाने साइज़ के टमाटर, और इनको मैंने चॉपर में जो है वो रफली चॉप कर लिया। साथ ही अब इसमें डाल देंगे स्पाइसेस। तो 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, उसपे जायका नमक, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और 1/2 टीस्पून डाल देंगे हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर। अच्छी तरह से हमने सारे स्पाइसेस को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे 5 से 6 टेबल स्पून पानी, और इसको हम कवर करके पकाएंगे 5 मिनट तक, ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह से पक जाए। फ्लेम आपने मीडियम टू लो कर देनी है। अब देखिए 5 मिनट हो गया मसाले को पकते हुए। अब आपने फ्लेम को हाई करना है और इसको अच्छी तरह से भून लेना है। देखिए मसाले की भुनाई होगी है, जैसे इसमें ऑयल सेपरेट होना शुरू होगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम लिया है पालक, तो आपने फाइनली चॉप किया हुआ पालक डाल देना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करके पकाएंगे 5 से 6 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब देखिए 5 से 6 मिनट हो गया है, पालक हमारा अच्छी तरह से पक गया। अब आपने हाई फ्लेम पे इसको भूनना है ऑयल के सेपरेट होने तक। अब देखिए ऑयल कम्प्लीटली सेपरेट हो गया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे दाल। तो दाल को मैंने बॉईल कर लिया था 1 टीस्पून सॉल्ट डाल के। फ्रेंड्स, आपने जब इसको बॉईल करना है आपने इतना ही पानी डालना है जिसमें दाल अच्छे से बॉईल हो जाए। और फ्रेंड्स, जो पानी इसके अंदर रह जाएगा उस पानी को आपने नहीं गिराना, उसको आपने साथ ही जो है मसाले और पालक के अंदर ऐड कर देना है। इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप पानी था, 1/2 कप मैंने और ऐड किया था, तकरीबन 2 कप पानी जो है वो आपने इसके अंदर डाल देना है। अब कवर करके मैंने इसको पकाया तकरीबन 10 से 12 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि सारे मसाले और पालक और दाल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। अब हम इसका करेंगे तड़का तैयार। तो यहाँ पर पैन में डालेंगे हम 3 से 4 टेबल स्पून बटर, आप देसी घी भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून डाल देंगे ऑयल, ताकि बटर हमारा जो है वो बर्न ना हो। 1 टीस्पून डाल देंगे इसके अंदर ज़ीरा, और इसको हम रोस्ट करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब देखिए ज़ीरा जो है वो ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अब हमने फ्लेम को बंद कर देना है, और इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। फ्रेंड्स, ये तेज़ नहीं होती, ये जस्ट कलर के लिए होती है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम डाल देंगे दाल के अंदर। आप देख सकते हैं ये कितनी मज़ेदार लग रही है, बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें, और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके पकाएंगे 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है। फ्रेंड्स, आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, इसकी ग्रेवी चेक कर सकते हैं, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। फ्रेंड्स, आप इसमें ग्रेवी जो है वो अपनी मर्ज़ी से पानी डाल के कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर आपको बताया था कि 1.5 कप पानी जो दाल का था वो ऐड किया था, और 1/2 कप मैंने और ऐड किया था। तो ये देखिए परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी है, आप अपनी मर्ज़ी से इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार, सुपर इजी, सुपर टेस्टी पालक दाल की रेसिपी। इसको ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े की बनती है। कीप वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।